नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट रीडिबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आने वाले 15 डेज में आपकी कौन से विश पूरी होने वाली है, एक विश या एक से ज़्यादा विश, कौन से विश पूरी होने वाली है और कैसे वो विश पूरी होगी, हम ये चेक करेंगे। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको दिमाग में इतना ही रखना है। मैं पाइल्स नहीं कर रही हूँ, छोटी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा क्लियरिटी और डिटेल्स के साथ कोशिश करूँगी ये रीडिंग आप लोगों तक पहुँचाने की। सो यस, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और वो विश को आप कैसे पूरे करने वाले हो, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए उसका 15 डेज, आने वाले 15 डेज में आपकी कौन सी विश पूरी होगी, आप ये चेक कर सकते हैं। सो डिवाइन को सरेंडर करते हुए इस रीडिंग को जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के कौन से विश इन आने वाले 15 डेज में पूरे होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल, प्लीज गाइड माय डियर एंजल, स्टॉप टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. My goodness. क्या बात है। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 6, 17, 5, 1, 15, 3, 6, 7, 8, 9, 6, 13 and 3, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग सिर्फ प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन 15 डेज में वो बस प्यार चाहते हैं, सिंपल लव। मतलब अगर आप अपने लव को, अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि बस वो इंसान आ जाए आपकी लाइफ में और you know, आपको कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए उनसे या फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए उनसे, कोई और, जैसे होता ना कि हम कहते हैं कि कोई मंजिल हो या फिर कोई डेस्टिनी हमारी और कमिटमेंट, ये वो सब कुछ आपको नहीं चाहिए, बस आपको प्यार चाहिए एक इंसान का, मुझे ये दिख रहा है। सो अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और इन 15 डेज में आप उनको अपनी लाइफ में चाहते हो, मुझे ये लग रहा है। यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? हीलिंग है ऑब्स्टिकल, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना फोकस पूरा का पूरा उस इंसान पे बना कर रखा, बस आ जाए भगवान, प्लीज़ भगवान, डिवाइन प्लीज़, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ भेज दीजिए, यूनिवर्स यूनियन हो जाए, बस ऐसे वाले अगर आपके एक्शंस या फिर ऐसे वर्ड्स आपके हैं तो ये चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि प्लीज़ भेज दीजिए, मुझे चाहिए, ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये लैकिंग वर्ड्स हैं। आपको चाहिए इसलिए क्योंकि आपके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास होंगी उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे, आप उसको मांगोगे नहीं। सो जब चाहिए आप बोलते हो या फिर प्लीज़ आप बोलते हो वो लैकिंग एनर्जी होती है और यूनिवर्स को आपके चाहिए या वो सब नहीं समझ में आता है, आपके स्पेसिफिक पर्सन कौन है वो नहीं समझ में आता है, यूनिवर्स को समझ में आती है आपकी एनर्जीज़। सो अगर आप लैकिंग एनर्जीज़ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चाह रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो तो वो चीज़ें नेगेटिवली ही आपके पास आएंगी। जो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो वही एनर्जी आपको वापस मिलेंगी। सो यूनिवर्स को आप एक मिरर कह सकते हो जहाँ कि आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। अगर आप मिरर में खड़े होके यू नो, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और बहुत सुंदर आपने मेकअप किया है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हो तो रिफ्लेक्शन वही आएगा। अगर आप डल हैं, मिरर के सामने आप डल होके खड़े हैं तो मिरर में आपको रिफ्लेक्शन भी वही दिखेगा। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एकदम डल होके खड़े हो मिरर में और वहाँ से बहुत सुंदर आपको रिफ्लेक्शन मिले, पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल। तो वैसे ही यूनिवर्स आपका मिरर है, जो एनर्जी आपकी होती है वही वहाँ दिखता है और वही रिफ्लेक्शन वापस आपके पास आता है। सो अगर आप प्लीज़ या फिर चाहिए you know, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं तो वही एनर्जी आपके पास, लैकिंग एनर्जी ही आपके पास आ रही है। सो यहाँ पे करना क्या है आपको, अपने फोकस को चेंज करना है, ठीक है। जैसे अपना
फोकस आप चेंज करोगे ना, तो न्यू बिगनिंग आपका फॉर श्योर है यहाँ पे, ठीक है। या फिर जो पर्सन को आप मांग रहे हो अपने लाइफ में, जैसे आपका फोकस चेंज होगा ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे। फोकस को कैसे चेंज करना है आपको? अगर आप पूरा फोकस अपने यूनियन पे कर रहे हो, पूरा फोकस आपका ऐसा है कि बस ये इंसान आ जाए, रात दिन आप इसके बारे में सोच रहे हो, चेस कर रहे हो मेंटली, फिजिकली तो आप नहीं चेस कर रहे होंगे, इमोशनली और मेंटली अगर चेस कर रहे हैं पूरा दिन इसके बारे में, अगर आप सोच रहे हैं अपने लाइफ के और डायमेंशन पे आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है अगर, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी आपको अचीव करने में, रिसीव करने में, ठीक है। यहाँ बहुत क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि सम ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे ऐसे हैं जो कि यूनियन को मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, और ऐसे ही इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ किड्स इन्वॉल्व है। तो या तो ये इंसान मैरिड है, या फिर आप मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच कोई बच्चे हैं, यू नो, जिसमें कि मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं है, बस आप प्यार चाहते हो उस इंसान का। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस वो आ जाए। सो आ तो जाएंगे वो, लेकिन वो टिकेंगे नहीं। अगर आ भी जाएंगे आपकी मैनिफेस्टेशन से, तो वो रहेंगे नहीं, वो फिर से रन करेंगे। सो आपको स्टेबिलिटी अगर अपने लाइफ में चाहिए, या फिर न्यू बिगनिंग अगर आपको चाहिए, तो करना क्या होगा, आपको हील करना होगा। हील कैसे करोगे आप? अपने फोकस को चेंज करके। बहुत ज़्यादा फोकस किसी चीज़ में आप रखोगे, बहुत किसी के पीछे भागोगे आप, तो वो चीज़ें और दूर भागेंगी आपसे। अपने फोकस को यहाँ पे चेंज करें। चेंज की एनर्जी ही यहाँ पे दिख रही है ना, चेंज योर फोकस नंबर 5 की एनर्जी है जो कि चेंज को बता रही है। सो जैसे अपना फोकस चेंज करेंगे, आपके लाइफ में जो आप चाह रहे हो वही आप अचीव करोगे। अब फोकस को चेंज करने की बात जब आती है, तो हम कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए आप। पैशन को फॉलो करने के लिए क्यों कहा जाता है? पैशन को जब आप फॉलो करते हैं, आपका सैक्रल चक्र बैलेंस्ड होता है। अभी आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है, जिसके चलते आप कोडिपेंडेंसी में हैं कि बस ये इंसान आ जाए, इनके बिना मैं मर जाऊं, मेरी सांस नहीं जा रही है ना, मेरे गले में सांस अटक गया है, ऐसी जो फीलिंग हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और सैक्रल चक्र आपका इम्बैलेंस्ड है, एक्टिव नहीं है। अगर वो चक्र आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, फिर हैप्पीनेस में आप रहोगे, अंदर से खुशी में रहोगे। ये इंसान आएंगे तो भी आप खुश रहोगे, नहीं आएंगे तो भी आप खुश रहोगे। सो ये एनर्जी में आपको आना है। इस एनर्जी में आने के लिए आपको कोडिपेंडेंसी से निकलना होगा। कोडिपेंडेंसी से कैसे निकलोगे आप? जब अपने फोकस को आप चेंज करोगे, जब अपने पैशन को आप फॉलो करोगे, जब अपने सैक्रल चक्र को आप एक्टिव करोगे। सैक्रल चक्र को एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप प्रोसेस में जा रहे हैं तो, हीलिंग वगैरह करके अगर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर इंसान मेडिटेशन नहीं करता है बैठ के। सो अगर ऐसे प्रोसेस में आप जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने पैशन को आप फॉलो अगर करेंगे, तो फिर आपका सैक्रल चक्र विद इन 21 डेज हील हो जाता है, ठीक है। सो सैक्रल चक्र को फॉलो करने का मतलब, अपने पैशन को फॉलो करने का मतलब, जो भी आप में पैशन है, अगर आप में कुकिंग का पैशन है, कुकिंग कीजिए, अलग अलग तरह के डिशेज बनाइए। अगर आप डांस करना चाहते हैं, डांस कीजिए। सिंगर्स हैं तो गाना गाइए। आर्ट करना चाहते हैं, आर्ट कीजिए। कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिज़ाइन कीजिए। जो भी पैशन आपका है उसको फॉलो कीजिए। अपने फोकस को चेंज कीजिए, ठीक है। जब अपने फोकस को आप चेंज करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रखोगे, तो ये इंसान आपके पास आएंगे और न्यू बिगनिंग आपका फॉर श्योर होगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। जो हीलिंग की एनर्जी है ना, नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 17 मतलब जब आप उसको ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि ट्रांसफॉर्म होइए, आप नहीं हो रहे हो। सो डिवाइन तब तक आपको यूनियन में नहीं आने देंगे जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। सो कुछ ग्रुप्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं। अब कुछ ग्रुप्स जो है ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने हार्ट चक्र को हील करना, अबंडेंस, यू नो, पैसा, करियर, रोमांस, मैरिज, बहुत कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं कुछ लोग, जहाँ पे अपनी लाइफ का मास्टर आप बनना चाहते हैं, जहाँ पे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप क्रिएट करना चाहते हैं। सो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं, वो मैनिफेस्टेशन के कुछ कोर्स कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये लोग, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं ना, ये लोग अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव में आना चाहते हैं और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कुछ एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो मल्टीपल मैनिफेस्टेशन आपके हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे आप, मल्टीपल मैनिफेस्टेशन आपके हैं। सो जो लोग मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तो वो टेक्निक में आपको एक कोई विश होता है जो कि आप पूरी कर सकते हो। लेकिन कुछ एक टेक्निक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि 10x3 और 30 ऐसा कुछ है, ठीक है। सो वो मैनिफेस्टेशन में आप
तीन चार पांच मैनिफेस्टेशन एक साथ कर सकते हो, ठीक है ना। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। अब यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल यहाँ पे ये है कि आप लीड नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ का। मास्टर बनना तो चाहते हो, लेकिन मास्टर बनेगा कौन? जो लीड लेगा। लीड कैसे लोगे आप? कुछ चीज़ों को सीखना, कुछ चीज़ों को विजडम गेन करना, उसको अप्लाई करना। सो कुछ कोर्स लेना, उसको सीखना, अप्लाई करना और यू नो एक्शन ओरिएंटेड बनना। सो यहाँ पे आप सोच तो रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे, जिसके चलते आउटकम आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग में अगेन मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के कुछ कोर्स दिख रहे हैं जो कि आपने लिए हुए हैं। मैनिफेस्टेशन कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ में, अबंडेंस को, ओवरऑल लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, यू नो करियर, आपका फिनांस, आपके सक्सेस, आपका आपकी लव लाइफ, आपकी ब्यूटी, आपकी स्ट्रेंथ, बहुत सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट करते हुए कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप कोई डिसीजन लें। डिसीजन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए। डिसीजन ये कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। कोई एक प्रायोरिटी में होती है चीज़ हमारे लाइफ में, है ना। अगर हमारे लाइफ में कभी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो पैसा इंपॉर्टेंट है, कभी हमारे लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप में भी यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दो इंसान होते हैं हमारे लाइफ में, दो सोलमेट्स होते हैं, और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके साथ आगे बढ़ेंगे। हम दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दो नाव में पैर रखे हम नहीं चल सकते हैं। तो दोनों के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। यहाँ ये बोला जा रहा है आपको गाइडेंस में कि डिसीजन लें और उसके बारे में दिन रात सोचें, समझ रहे हो ना। जो एक थॉट आप क्रिएट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, वो होता कैसे है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है आपकी? एक थॉट आपने क्रिएट किया और उसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हो। कैसे सोच रहे हो? डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पे है। डे ड्रीमिंग का मतलब ये है कि आप दिन भर अगर उसके बारे में सोच रहे हो, काम भी कर रहे हो, ध्यान पूरा उस मैनिफेस्टेशन की तरफ ही आपका। इसको चेज करना नहीं बोलते हैं। अब चेजिंग क्या होती है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसको समझिए। अपने ड्रीम को भी लोग चेज करते हैं और मैनिफेस्ट जब करते हैं तभी भी अपने आउटकम को लोग चेज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब आप चेज करते हो किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को या फिर किसी रिजल्ट को, आपकी वाइब्रेशन डाउन रहती है उस टाइम। आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहते हो, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब होगा, इसमें रहते हो। लेकिन जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हो तो वाइब्रेशन कैसे होती है? जैसे कि वो चीज़ आपको मिल गई है। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो चेजिंग जो है ना, चेजिंग अपने ड्रीम को भी लोग चेज करते हैं, ड्रीम के बारे में भी दिन रात लोग सोचते हैं और हम कहते हैं कि इसके पीछे हम बहुत भाग रहे हैं, वो चीज़ हमसे और दूर होती है। तो मैनिफेस्टेशन में क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। ये मैनिफेस्टेशन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आप उस रिजल्ट को जी रहे होते हैं, और चेजिंग में कब होगा में लैकिंग कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। और मैनिफेस्टेशन में आपकी फुलफिलमेंट है, जहाँ आप ये सोच रहे हो कि वो चीज़ आपको मिल गई है। सो दोनों में ये डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। सो इसलिए चेज नहीं करने के लिए हम कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन में आप उस चीज़ के बारे में दिन रात सोच सकते हैं, दिन भर सोच सकते हैं, लेकिन कैसे, कब मिलेगी नहीं, आप जी रहे हो उस चीज़ को। जैसे कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट किया है, जब स्ट्रेंथ में आप आओगे तो आप क्या, आपका ऑरा कैसा होगा, आप देखने में कैसे लगोगे, पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी। अगर आप कोई घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जब वो घर में आप घुसोगे, वहाँ का गेट, वहाँ के डोर्स, वहाँ के विंडो, वहाँ के रूम्स, वहाँ का इंटीरियर, ये सबको आप देख रहे हो, उन सबको आप जी रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप उस ऑरा में रहते हैं ना, उस एनर्जी में आप रहते हैं ना, तो आपके फेस में एक स्माइल रहेगा और ये स्माइल ही आपके लिए पॉजिटिव आउटकम को लेकर आएगा, समझ रहे हो ना। सो आपकी एनर्जीज ही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करती है। सो यहाँ पे डे ड्रीमिंग करने के लिए कहा जा रहा है आपको। गाइडेंस ये है कि उसके बारे में और सोचिए, ज़्यादा सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए और डिसीजन पे आइए। पहले तो क्लियरिटी होना चाहिए माइंड में कि चाहिए क्या। अब ये पता चल गया कि चाहिए मुझे ये, तो उसके लिए आपको दिन रात वैसे सोचना होता है जैसे कि वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ओवरऑल लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और एक ऐसे ऑरा में आना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों को भी सिखाएं, ठीक है। लाइक आप तो खुद सीखें, आप तो खुद ग्रो करें और आप मल्टीपल लोगों को भी आप अपने ज्ञान को बांटें और उनको भी आप मार्गदर्शन करें। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे और एक ग्रुप ऐसा दिख रहा है जहाँ पे लोग सिर्फ अपने सक्सेस और अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ अपने सक्सेस और अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
मे बी फाइनेंशियल ग्रोथ, मे बी अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, मे बी कोई ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर, अपनी एनर्जीज पे चेंजेस, अपने पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा हो सकता है. सो सक्सेस और ग्रोथ की एनर्जी में आपका ग्रोथ भी आता है. आपका ग्रोथ मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल बैलेंस, ठीक है. सो ये सब चीज़ों को कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिवॉर्ड के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिवॉर्ड में कि एक्शन तो मैं ले रहा हूँ, रिवॉर्ड कब मिलेगा या रिवॉर्ड क्या होगा. तो सुना है हमने, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो जब मैं पहले सुनती थी ये चीज़ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आता था और गुस्सा आता था मुझे कि लोग फल के लिए ही तो एक्शन ले रहे हैं, मतलब फल के लिए हम कर्म कर रहे हैं. तो अगर हम फल की चिंता ही नहीं करेंगे तो कर्म करके फ़ायदा क्या है. लेकिन वो बात अभी मुझे समझ में आती है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर. कर्म अगर आपके वैसे रहेंगे ना तो सक्सेस आपके पीछे आएगी ही, फल जो है ना रिजल्ट आएगा ही आपके पीछे, आपको मिलेगा ही वो रिजल्ट, कहीं नहीं जा सकता. अगर आपके 100% एक्शन होंगे सही डायरेक्शन में तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, ऑब्स्टिकल यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका फोकस जो है ना वो ऐसा फोकस रिजल्ट में आप कर रहे हो कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो ना, आप एक्सट्रीम लेवल में अपना ग्रोथ चाहते हो और एक्सट्रीम लेवल में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और बहुत ध्यान आपका रिजल्ट में है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है. सो एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 9 की एनर्जी है, ये मुझे ये बता रही है ना कि आपका, आपकी जो पूरी एनर्जी है ना वो रिजल्ट में चल जा रही है. जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो पूरे आपके थॉट में चले जा रही है, रिजल्ट में चले जा रही है कि रिजल्ट कैसा होगा, कब मिलेगा, यू नो, ऐसी एक वाइब्रेशन आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है. एक्शन तो आप ले रहे हो, कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है वो आपके रिजल्ट में है. और आपका आपका आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है कि आपको ऐसा मिले रिजल्ट कि दुनिया देखती रह जाए, ऐसी एक एनर्जी कुछ लोगों की मुझे दिख रही है, ठीक है. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के थर्ड आई चक्र भी एक्टिव होते दिख रहे हैं, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो मैनिफेस्टेशन को, बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हो, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो रहा है. और जिनका नहीं हो रहा है वो बहुत एकदम से थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने की कोशिश ना करें. बहुत लोग त्राटक को यूज़ करते हैं, त्राटक विद्या को, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के लिए. बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, मैं वार्न कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब आपके सारे चक्र ब्लॉक्ड होते हैं और डायरेक्ट आप थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट करते हो तो वो चीज़ें आपको हार्म कर सकती है. थर्ड आई चक्र का खुलना मतलब जो आपको दो आँखों से नहीं दिख रही है वो सारे डायमेंशंस आपको थर्ड आई चक्र खुलने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. क्योंकि अभी जो हम 3D वर्ल्ड में हैं हमको बस वही दिखाई दे रहा है. थर्ड आई चक्र खुलने के बाद आपको और जो डायमेंशंस हैं हमारे आसपास आपको वो सब दिखने लग जाएंगे, जिसको कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो जब तक आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है तब तक एकदम से थर्ड आई चक्र पर फोकस ना करें. मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के थर्ड आई चक्र एक्टिव होते दिख रहे हैं, एक्टिव नहीं भी तो क्लिंजिंग होते दिख रहे हैं, जहाँ आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे होंगे आपके और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के. गाइडेंस यहाँ पे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, रिलीज नेगेटिविटी और इल्यूजन. अब समझिए कि इंट्यूशन और इल्यूजन में डिफरेंस होता है, ठीक है. कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंट्यूशन आ रहा होता है और हमें लगता है कि भ्रम है हमारा, और कभी ऐसा लगता है कि भ्रम को हम इंट्यूशन मान लेते हैं. सो इल्यूजन और इंट्यूशन में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उसको समझना होगा आपको. इल्यूजन जो होता है ना उसमें आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, उसके कॉज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको सब समझ में आएंगे. लेकिन इंट्यूशन जब आती है तो सिर्फ इंट्यूशन आती है आपको, और उसके आगे पीछे कुछ और नहीं समझ में आएगा, ठीक है. इल्यूजन के साथ बहुत और चीज़ें कनेक्टेड होंगी, लेकिन इंट्यूशन के साथ सिर्फ इंट्यूशन ही रहेगा, ठीक है. सो आपको रिलीज करना होगा अपने इल्यूजन को और इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, ऐसी गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सैडनेस और आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज करना चाह रहे हैं, अपनी सैडनेस से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, खुश होना चाह रहे हैं, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है. सो जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको फोकस को चेंज करने की ज़रूरत है. जैसे फोकस चेंज करेंगे, अपनी हीलिंग स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग आपका हो जाएगा. कुछ लोग जो अपने अंदर के मास्टर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी सोल प्योरिफिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
वो लीड ले, ठीक है। लीड ले मतलब जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसको लोगों में बांटें, या फिर और हीलिंग करें, और हीलिंग को बढ़ाएं अपनी, और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत आपको है। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग जो आप नहीं भी कर रहे हो ना, वो भी बिगिन हो जाएगी, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड ग्रुप है जो कि अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो रिजल्ट पे फोकस करना छोड़ दें, सरेंडर करें रिजल्ट को। डिवाइन से ये आप प्रेयर करें कि मैं अपना 100% लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, बाकी का रिजल्ट आप देख लो, ठीक है। और ट्रस्ट में जब आप रिजल्ट को सरेंडर करते हो ना, तो रिजल्ट आपके फेवर में ऐसे मिराकली काम करता ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो हम थोड़े से गाइडेंस यहाँ पे देखेंगे। समो गाइडेंस प्लीज डिवाइन, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को डिवाइन। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था और फिर से मुझे सेटिंग करना पड़ा। सो यस, क्या करना चाहिए डिवाइन मेरे व्यूअर्स को, वन मोर टाइम प्लीज। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनको क्या करना चाहिए डिवाइन। सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव, एनकरेज्ड। डिप्रेस्ड होना छोड़ दीजिए, एकदम फोकस को चेंज कीजिए। आप दिन भर यूनियन के बारे में सोच रहे हो, पूरा फोकस आपका अगर वहाँ होगा तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पाएंगी, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और फोकस चेंज कीजिए, अगेन गाइडेंस वही आई है। देखिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कीजिए, लव्ड फील कीजिए, और अपने लव वाइब्रेशन में जब आप रहोगे ना, अंदर से जब आप लव वाइब्रेशन में रहोगे तभी आपको प्यार मिलेगा। लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहोगे तो वही मिलेगा आपको। बार बार यही समझाती हूँ मैं, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। डिवाइन मैजिक, जब आप चेंज करोगे अपने गोल को, ड्रीम्स को, देखिए फिर से वही एनर्जी है। अपने गोल्स को चेंज करोगे, अपने ड्रीम्स को चेंज करोगे, फोकस चेंज करोगे, तो जो आप चाहते हैं वही होगा। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, डिवाइन मैजिक करेंगे उस टाइम, और जो आप चाह रहे हैं वो मैजिकली आप अचीव करेंगे, ठीक है। पैशन, entrepreneur and driven. जो मास्टर्स बन रहे हैं, जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो मैंने बोला ना कि कुछ स्टार्ट कीजिए, आपको कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ सोच रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। सोच आपकी बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको एक्शन में नहीं लेके आ रहे हो। एक्शन में लेके आइए तो आपकी हीलिंग, जो बची हुई हीलिंग है, वो यूनिवर्स करेंगे। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे इस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, सी द ह्यूमर। थोड़ा सा और विजडम गेन करने की ज़रूरत है यहाँ पे ग्रुप टू के लोगों को, ठीक है। जो अपने अंदर मास्टर्स को इन्वोक कर रहे हैं ना, जो अपने मास्टर को, अपने अंदर की सोल को पावरफुल करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को अपने से क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों को और थोड़ा ज़्यादा ह्यूमर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा विजडम गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू। जो थर्ड ग्रुप है, मुझे लग रहा है कि जो सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको फेथ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा फेथ में कमी हो रहा है, मतलब या तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत रिजल्ट पे जो आपका फोकस है ना, फेथ रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। रिजल्ट को सरेंडर करें डिवाइन को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और पीस में रहें, आराम से रहें, कनेक्टेड रहें, बैलेंस्ड रहें और आगे बढ़ते रहें लाइफ में। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वाइज डिसीजन, अगेन वही एनर्जी है, वाइज डिसीजन। पहले तो आप मैनिफेस्ट करने के टाइम पे एकदम क्लियर आपके थॉट होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप कन्फ्यूज हैं और कन्फ्यूजन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन ही आपकी बढ़ेगी, आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो ये कहते हैं ना कि हम बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि उनके थॉट क्लियर नहीं होते हैं। वो मांग तो रहे होते हैं कुछ और, उनको चाहिए कुछ और होता है, उनको चाहिए होता है कुछ और, वो मांग कुछ और रहे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे कन्फ्यूजन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी जो भी आप मांग रहे हो। आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं एक्शन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, इसके लिए मेरे प्लान्स ये हैं, डिवाइन मुझे सपोर्ट चाहिए, और वो एक मैनिफेस्टेशन आपके मेहनत पे ब्लेसिंग्स की तरह आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है। मतलब आप एक्शन ले रहे हो और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है। सो
आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से आप लोगों को, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, कमेंट करें इस एनर्जी को, क्लेम करें इस एनर्जी को। और मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके ग्रैटिट्यूड शो करें अपना। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।